दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। बच्चों नेशनल इनकम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जिसके बारे में हम आप बच्चों को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें नॉमिनल जीडीपी को, तो नॉमिनल जीडीपी को हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी कहते हैं। और बेसिकली ये क्या करता है, ये क्या करता है कि जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको करंट प्राइस पे कैलकुलेट करता है। इसी तरीके से जो रियल जीडीपी है वो बेस ईयर प्राइस पे अपना जो वैल्यू है उसे कैलकुलेट करता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जिसको कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हम सुविधा के लिए मान रहे हैं कि गुड्स हमारे पास है दो गुड्स हैं, टू गुड्स हैं, आप चाहो तो तीन मान सकते हो। मान लीजिए गुड्स है एक्स और वाई, दो गुड्स हमने ले लिए। अब इसकी बात करें बेस ईयर प्राइस की, बेस ईयर की, तो बेस ईयर हम मान लेते हैं, कोई भी बेस ईयर मान लेते हैं, हम मान लीजिए 2013-14 बेस ईयर है। और इस बेस ईयर में इसका जो प्राइस था और जो क्वांटिटी थी हम उसकी बात कर रहे हैं बच्चों। तो मान लीजिए उस समय प्राइस इसका 10 रुपये था और क्वांटिटी 100 किलो पैदा होती थी, और वाई जो थी उसका प्राइस 20 रुपये था और इसकी क्वांटिटी 50 किलो पैदा होती थी, हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों। वर्ष आया करंट ईयर, अब करंट ईयर में क्या हुआ है, करंट ईयर में हमने मान लिया कि इसका जो प्राइस है और क्वांटिटी, हम 1% एक घड़ी के लिए मान लेते हैं कि क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं हुई, हम ये मान के चल रहे हैं। बालाखाला के बाद में हम इस क्वांटिटी को चेंज भी कर देंगे, 100 क्वांटिटी है और 50 क्वांटिटी है, हम ये मान के चल रहे हैं। जबकि जो प्राइस है वो चेंज हो गया, और प्राइस जो है वो अब देखिए ये हो गया मान लीजिए बढ़ के 20 और ये हो गया मान लीजिए 25। अगर हम बात करेंगे जीडीपी की, तो जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपको जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलो करके देखते एक बार। अगर हमें जीडीपी निकालनी है, जीडीपी निकालनी है 2022 की, लेकिन बेस क्या रहेगा, अब दो बेस हो सकते हैं बच्चों। बेस एक हो सकता है करंट प्राइस पर, यानी कि जो करंट प्राइस चल रहा है उसके बेस पर निकाले, या हो सकता है कि जो हमारा बेस हो वो बेस ईयर के बेस पर हो, जो बेस लगा लेंगे वो बेस ईयर के बेस पर निकालेंगे, यानी कि जो आधार है वो बेस ईयर है। तो अगर हम करंट प्राइस पे निकालते तो कैसे जीडीपी निकालेंगे, करंट ईयर जीडीपी निकालेंगे, वो निकालेंगे जैसे मान लीजिए पी इंटू क्यू की बात हम कर रहे थे, तो इसको पी क्यू बोल देते हैं, ठीक है जी, जीडीपी की जगह पी क्यू बोल देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2100 रुपये या 2000, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मान लीजिए 1250। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप देखोगे तो जीडीपी जो है वो 3250 आ गई। अगर हम बात करें जीडीपी की, तो पिछले साल यानी कि 2013 में जीडीपी कितनी थी, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जीडीपी 2013 में कितनी थी इंटू 013, तो 2013 में जो जीडीपी थी वो थी 1000, एक्सेज इनकम हो रही थी, मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2000, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीडीपी में जो वृद्धि हुई है वो काफ़ी बड़ी हुई है, यानी कि अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहें तो 1250 हमारी वृद्धि हुई है, और डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो इसका मतलब लगभग हमारा परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई आउट कर देंगे तो आप कह सकते हो कि 62.5% की वृद्धि हुई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वास्तव में ये वृद्धि है, नहीं, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो वृद्धि की गई है वो केवल और केवल और केवल प्राइस बढ़ने की वजह से हुई है। देखिए यहाँ पे प्राइस 20 था, क्वांटिटी प्राइस 20 था, और यहाँ पे बढ़ के प्राइस 10 था, यहाँ पे प्राइस बढ़ के 20 हो गया,
यहाँ पे प्राइस 20 था, यहाँ पे प्राइस बढ़कर 25 हो गया। तो इस तरीके का जो जीडीपी बढ़ी है, जिसमें प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ रही है, ऐसी जीडीपी किसी भी देश के ग्रोथ को नहीं दिखाती है, किसी भी देश के समृद्धि को नहीं दिखाती है, किसी भी देश के गुड लिविंग स्टैंडर्ड को नहीं दिखाती है। तो फिर आखिरकार क्या किया जाए? इसका तरीका यह है कि हम क्या करेंगे, प्राइस तो लेंगे बेस ईयर का, ये वाला प्राइस ले लें, ये वाला प्राइस ले लें, और क्वांटिटी ले लें करंट ईयर की, यानी कि क्वांटिटी ये वाली ले लें, और उसके बेस पे जो जीडीपी बढ़ी है वो एग्जैक्ट वैल्यू को बताएगी। जैसे कि यहां पे हमारी बात करेंगे तो जब हम प्राइस बेस ईयर का लेंगे और क्वांटिटी बेस ईयर की लेंगे, तो इसका मतलब है हमारी जो आंसर आएगा वो 2000 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको, क्योंकि आपने प्राइस भी बेस ईयर का लिया, सॉरी प्राइस लिया बेस ईयर का, क्वांटिटी ली करंट ईयर की, तो क्वांटिटी तो बिल्कुल सेम ही है पिछली बार की तरह, यानी क्वांटिटी भी चेंज नहीं हुई और प्राइस तो आपने बेस ईयर का लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बेस ईयर पे निकालते हो, तो बेस ईयर पे अगर हम जीडीपी निकालते हैं तो वो एग्जैक्ट जो जीडीपी बढ़ी है उसको रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं इसके लिए। देखिए, मान लीजिए हम उसी एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स गुड्स है और वाई गुड्स, दो गुड्स हम ले लेते हैं, सॉरी यहां इस तरीके से नहीं, ऐसे लगाते हैं जैसे पहले बनाया था, कि मान लीजिए हमारा है ईयर 2000, हम लिख लेते हैं बेस ईयर, और यहां लिख लेते हैं हम करंट ईयर। ठीक है, एग्जाम यहां पे हम लिख लेते हैं बच्चों, बेस ईयर में जो हमारी क्वांटिटी थी ये प्राइस है, बेस ईयर में जो क्वांटिटी थी ये हमारा प्राइस है बेस ईयर का। ओके जी, सिंपल एग्जाम्पल करने के लिए मान लीजिए हमारा जो बेस ईयर है वो हमारा है 2013-14 और करंट ईयर है हमारा 2022-23। तो बेस ईयर में जो एक्स गुड्स थी, मान लीजिए गुड्स की हम यहां ले लेते हैं, एक्स गुड्स थी उसकी 20 क्वांटिटी पैदा होती थी, प्राइस मान लीजिए 10 था, वाई गुड्स की 50 क्वांटिटी पैदा होती थी, प्राइस मान लीजिए 20 था। ठीक है जी, वैल्यू चेंज कर दी है, उससे क्या फर्क पड़ता है। करंट ईयर में जो क्वांटिटी बढ़ी है वो 30 हुई है और प्राइस 15 हुआ है, जबकि करंट ईयर में प्राइस जो क्वांटिटी है मान लीजिए वो हो गई है 100 जबकि प्राइस हुआ है 25 का। अब हमें जीडीपी, रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है। तो रियल जीडीपी में वृद्धि कैसे पता करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम निकालेंगे रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं। तो अगर रियल जीडीपी निकालनी है, यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू इंटू क्यू वन, यानी कि प्राइस तो लेंगे बेस ईयर का लेकिन क्वांटिटी लेंगे करंट ईयर की। यानी कि प्राइस बेस ईयर का मतलब है कि प्राइस 20 लेंगे और क्वांटिटी लेंगे, सॉरी प्राइस ही वाला है, प्राइस 10 लेंगे और क्वांटिटी लेंगे करंट ईयर की, जो कि बढ़ के 30 हो गई है। तो ये हमारा 300 आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी जो है, जो प्राइस लेंगे वो 20 लेंगे और क्वांटिटी लेंगे करंट ईयर की, करंट ईयर में 1000 क्वांटिटी आई है, 100 क्वांटिटी आई है। इसका मतलब ये हमारी जो वैल्यू है, 100 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 200000 हो जाएगा, यानी कि करंट में जो जीडीपी है वो 2300 आई है। ओके बच्चों, तो ये जीडीपी है, रियल जीडीपी कहलाता है। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालेंगे बच्चों? नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी है, जैसे कि यहां पे दे रखा है। तो ये कितना आएगा, 450, और ये कितना आएगा, ये आएगा 2500। तो इसको कहते हैं 59 2, एक तरीके से आप कह सकते हो 2950। तो इस तरीके से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होता है बच्चों। रियल जीडीपी का क्या मतलब हुआ, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं। रियल जीडीपी का मतलब है कि आप जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो उसका जो बेस लिया है वो लिया है आपने बेस ईयर का प्राइस। दिस इज कॉल्ड रियल जीडीपी, इसे कहते हैं रियल जीडीपी। और अगर आप प्राइस ले रहे हो करंट ईयर का और क्वांटिटी भी ले रहे हो करंट ईयर की, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट प्राइस। तो बच्चों एक डिफरेंस भी हमने आपको करवाया हुआ है, आप एक बार वो भी देख सकते हो यहां पे। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले डिफरेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन द जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ईयर प्राइस इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी, और जब जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करंट ईयर प्राइस पर तो इसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ये आप याद रखिएगा बच्चों। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस ईयर का जो प्राइस है
कमोडिटी का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर क्वांटिटी से, और इसमें क्या करेंगे, करंट ईयर का प्राइस लेंगे, करंट ईयर की क्वांटिटी लेंगे, करंट ईयर प्राइस लेंगे और करंट ईयर की क्वांटिटी लेंगे। फार्मूला जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है, बेस ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है करंट ईयर प्राइस इंटू करंट ईयर क्वांटिटी। तो ये आप बेसिक डिफरेंस है, आप याद रखिएगा बच्चों। इसके अलावा रियल जीडीपी केवल तभी बढ़ सकती है जब आउटपुट बढ़े, यानी कि अगर आउटपुट नहीं बढ़ रहा है तो रियल जीडीपी भी नहीं बढ़ेगी, ये आप बात अपने दिमाग में रखिएगा। जबकि नॉमिनल जीडीपी दो वजह से बढ़ती है, प्राइस बढ़ने से भी बढ़ती है, आउटपुट बढ़ने से भी बढ़ती है। तो बिना आउटपुट बढ़े भी रियल जीडीपी नहीं बदलेगी, लेकिन नॉमिनल जीडीपी बिना आउटपुट बदले भी बदल सकती है, ये बात आप अपने दिमाग में याद रखिएगा बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक वेलफेयर की, तो हम ये मान के चलते हैं कि रियल जीडीपी जो है वो इकोनॉमिक वेलफेयर का एक इंडिकेटर है। हालांकि बहुत सारे इंडिकेटर और बने हैं, HDI है, PQLI है, इसके अलावा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, कई प्रकार के इंडेक्स है, लेकिन ये भी एक तरीके का इंडेक्स है जो कई सारे अर्थशास्त्रियों ने माना जीडीपी। हालांकि हम बाद में इसके बारे में और भी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो किसी भी तरीके से वेलफेयर को नहीं दिखा सकता, क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी है वो हमें ये इंडिकेट नहीं करता कि कितना आउटपुट बढ़ा। तो बेसिकली किसी देश के वेलफेयर के लिए जरूरी है आउटपुट का बढ़ना, और जो रियल जीडीपी है वही हमें आउटपुट में कितनी वृद्धि हुई है उसको दिखाता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक बार मैं आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में का एक बेसिक जो वो है मीनिंग, वो भी एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए, मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए हमने रियल जीडीपी निकाला, रियल जीडीपी हमारा 1000 आया, ठीक है, और हमने नॉमिनल जीडीपी निकाला तो ये हमारा 1500 रुपए आया। प्राइस इंडेक्स बताता है कि प्राइस कितना बढ़ा, जिसको हम जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला क्या है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है जी। तो इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी 1500 है, रियल जीडीपी 1000 है, और ये हमारा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 150% आ गया। इसका मतलब अगर ये 100% रहता तो इसका मतलब प्राइस नहीं बढ़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि बेस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में आपका जो प्राइसेस है वो 50% तक बढ़ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जीडीपी डिफ्लेटर की बात करते हैं या प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, तो ये हमें कैलकुलेट करके बताता है कि कितनी वृद्धि हुई है प्राइसेस बढ़ने की वजह से। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं बच्चों कि जीडीपी में वृद्धि दो वजह से पॉसिबल है, रियल नॉमिनल जीडीपी में, एक प्राइस बढ़ने से और एक आउटपुट बढ़ने से, ठीक है, दो वजह से पॉसिबल है। अगर हमें यह पता करना है कि प्राइस बढ़ने से कितनी जीडीपी बढ़ी, कितना परसेंट जीडीपी बढ़ी है केवल प्राइस बढ़ने से, तो हम जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग करते हैं। अब कई बार इसमें न्यूमेरिकल एग्जांपल भी बच्चों क्वेश्चन पूछे गया है आपसे, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं, प्राइस इंडेक्स इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, तो इस तरीके से कोई एक चीज़ दे देगा और दूसरी चीज़ आपको पूछेगा, तो वो सब आप एग्जांपल के थ्रू आप बता सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व भी बच्चों आप चाहो तो इसे कर सकते हो। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला फॉर्मूला जरूर आप याद रखेंगे कि जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको जरूर 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 अपने दिमाग में रखें। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या जीडीपी जो है वो एक गुड इंडिकेटर है इकोनॉमिक वेलफेयर का। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि किसी भी देश में रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उस देश में इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ रहा होगा, लेकिन ऐसा हर परिस्थिति में सही हो ऐसा नहीं है बच्चों। कई परिस्थितियां संभव हैं जहां पर रियल जीडीपी बढ़े लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर ना हो। देखिए, मैं आपको सिंपल शब्दों में कहूँ तो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए ज़रूरी है कि आपका इकोनॉमी का कंजम्पशन का लेवल बढ़े, क्योंकि वेलफेयर को जब भी हमेशा मापा जाता है वो कंजम्पशन से मापा जाता है, लेकिन कंजम्पशन किसका बढ़े ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ये देखते हैं कि क्या वास्तव में वेलफेयर हुआ है कि नहीं हुआ, तो हमें एक नज़र डालनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी पे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर मान लीजिए देश में जीडीपी बढ़ रही है, रियल जीडीपी बढ़ रही है, हम नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं कर रहे, रियल जीडीपी बढ़ रही है, देश में आउटपुट बढ़ा, लेकिन आउटपुट बढ़ने का फायदा अगर कुछ कुछ लोगों को हुआ है,
10 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को, और देश का बड़ी जनसंख्या गरीब के गरीब रह गई। तो ऐसा वेलफेयर, ऐसा रियल जीडीपी बढ़ना इकोनॉमिक वेलफेयर को लेके नहीं आएगा। यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए क्या जरूरी है कि रियल जीडीपी तो बढ़े ही बढ़े, वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ देश के अंदर अगर कोई इनइक्वलिटी है, अगर कोई अमीर गरीब के बीच का डिफरेंस है, तो उसके भी कम होना चाहिए। तो पहला पॉइंट आप याद रखिएगा बच्चों कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी अगर फेवरेबल चेंज हो रहा है, अगर इनकम और वेल्थ की इनइक्वलिटी घट रही है, तभी रियल जीडीपी बढ़ने से इकोनॉमिक वेलफेयर होगा, अन्यथा इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, देखिए कंपोजिशन का मतलब है कि आपने जीडीपी तो बनाई पर किस चीज़ से बनाई। अगर मान लीजिए देश में सारा पैसा बना दिया जाता है वाइन की वजह से बढ़ रही है जीडीपी, अफीम बन रहा है इसलिए बढ़ रही है, मान लीजिए लड़ाकू जहाज बन रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनसे क्या होगा, वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये सारी चीज़, देखिए वेलफेयर होता है कंज्यूमर गुड से, कंजम्पशन गुडने से। देखिए अगर आप मान लीजिए रोड बना रहे हो, तो जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक तो वेलफेयर नहीं होगा। हालांकि अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट से वेलफेयर बढ़ता है, लेकिन 20 साल 25 साल 10 साल के बाद बढ़ेगा। हम वेलफेयर को लेकर चल रहे करंट से। तो यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपका ऐसी गुड्स बनी है जो हार्मफुल है, डिफेंस गुड्स बनी हुई हैं, तो ऐसी चीज़ों से जीडीपी तो बढ़ेगा। अगर आप अफीम बनाओगे तो भी जीडीपी बढ़ेगा, शराब बनाओगे तो भी जीडीपी बनेगा, तंबाकू बेचोगे तो भी जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन ऐसी जीडीपी बढ़ना वेलफेयर को नहीं बढ़ाता, कई सारे लोगों के वेलफेयर में कमी आंकने को मिलती है। इसके अलावा जो एक्सटर्नलिटीज़, देखिए एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि आपके द्वारा कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिसका प्रभाव उस व्यक्ति पे पड़े जो इस पूरे एक्सचेंज सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे घर के बाहर, मतलब मेरे पड़ोसी अपने यहाँ पे लाइट को लाने के लिए, लाइट चली जाने पर अपने यहाँ पर जनरेटर लगाता है, तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा उसको मिलेगा, लेकिन उसका नुकसान मुझे मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति पॉल्यूशन फैलाता है, तो पॉल्यूशन फैलाने से डेफिनेटली जीडीपी बढ़ती है। देखिए इस सेंस में बढ़ती है, कैसे जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मान लीजिए कोई रंगाई पुताई का काम करता है, केमिकल का काम करता है, तो वो डेफिनेटली कचरा पानी में ही गिरेगा। तो अगर इससे क्या होगा, जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन वेलफेयर घटेगा। तो बच्चों ये हम पब्लिक फाइनेंस में समझते हैं कि किस तरीके, और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी हम पढ़ाते हैं बच्चों, उन सब में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे एक्सटर्नलिटीज़ के बारे में। फिलहाल आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि एक्सटर्नलिटीज़, अगर कोई वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, या कोई नॉइज़ पोल्यूशन होता है और जीडीपी बढ़ती है, तो ऐसी जीडीपी बढ़ना किसी भी देश के ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, किसी भी देश के वेलफेयर को बढ़ा के नहीं देगा। वेलफेयर तभी बढ़ना पॉसिबल है, या वेलफेयर तभी पॉसिबल है जब लोगों की वेलबींग में वृद्धि हो, और जो पॉल्यूशन के साथ रहेगा, जो अब दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है, अब हालांकि यहाँ पे लोगों की इनकम ज़्यादा है लेकिन पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, तो ये सब बात है। इसके अलावा बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो आपकी जीडीपी वेलफेयर को घटा देती है, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ रही है और जीडीपी बढ़ने की स्पीड मान लीजिए 5% है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 12% है, तो आपकी जीडीपी तो नेगेटिव में चली जाएगी, आपको कहाँ वेलफेयर होगा, सारा पैसा तो आपने पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने में लगा दिया। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कंसिडर करके ही हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी कि ये कह देना मात्र काफ़ी नहीं है कि रियल जीडीपी बढ़ने से इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, बल्कि ये भी देखना पड़ता है कि क्या वास्तव में कंपोजिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं बच्चों जो मैंने आपसे डिस्कस किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।